ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ईआरपी 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे वेट क्लास बनाना और वाउचर क्लास में अन्य खाते जोड़ना। अभी हमने आपको समान दर वाले और अलग अलग दरों वाले वेट की एंट्रीज कैसे करना है सिखाया। इनमें हमने देखा कि परचेज और सेल की एंट्री करते वक्त हर बार हमें इनपुट वेट और आउटपुट वेट का खाता भी चुनना होता है। यदि हम चाहते हैं कि परचेज और सेल की एंट्री करते वक्त इनपुट वेट और आउटपुट वेट का खाता सीधे ही आ जाए, तो उसके लिए हमें वाउचर क्लास बनानी होगी। पहले भी हम टैली के पार्ट 71 में ये वाउचर क्लास बनाना सीख चुके हैं। अब यहाँ पर ध्यान रहे कि यहाँ हम जो वाउचर क्लास बना रहे हैं उसका उपयोग सिर्फ समान दर वाले वेट के लिए किया जाता है, मल्टीपल वेट के लिए नहीं। इसे हम आगे समझेंगे। किस तरह से हम ये बनाएंगे वो अब हम आपको सिखाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे अकाउंट्स इन्फो पर। अकाउंट्स इन्फो में अब हम जाएंगे वाउचर टाइप्स पर और यहाँ से हम अल्टर में जाएंगे। अब यहाँ पर लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप्स हमारे सामने आ गई है। अब मान लीजिए इनपुट वेट के लिए हमको क्लास बनानी है, तो ये हमने परचेस यहाँ पर चुन लिया। अब यहाँ पर हम एंटर प्रेस करते हुए यहाँ आगे आ जाएंगे नेम ऑफ क्लास पर। अब यहाँ पर जिस भी दर के वेट की हमको क्लास बनानी है वो यहाँ पर डाल देंगे। हमने किया परचेस @13%, एंटर प्रेस करेंगे। तो जिस तरह से हमने आपको पहले बताया था उसी तरह से जिन ग्रुप्स को आपको एक्सक्लूड करना है, जो ग्रुप्स आपको नहीं चाहिए, वो यहाँ पर चुन लेंगे। जैसे हम यहाँ पर बैंक अकाउंट्स नहीं चाहते हैं, बैंक OCC नहीं चाहिए, ब्रांच डिविजन्स नहीं चाहिए और सन्ड्री डेटस नहीं चाहिए, तो वो हमने यहाँ पर चुन लिए। अब एंड ऑफ लिस्ट हम चुन लेंगे। अब हमको जो ग्रुप्स इंक्लूड करना है वो यहाँ पर चुनना है। तो हम इंक्लूड करना चाहते हैं कैश इन हैंड और सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब हम लिस्ट एंड कर देंगे। अब यहाँ लेजर नेम में आ जाएगा परचेज @13%, वेट क्लास में भी आ जाएगा परचेजेस @13%। अब यहाँ लेजर नेम में जो एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज जो ऐड करना हो इनवॉइस में, जैसे टैक्सेस वगैरह, तो यहाँ पर आ जाएगा इनपुट वेट @13%। अब यहाँ कैलकुलेशन मेथड्स हमको चुननी है कि वो जो वेट कैलकुलेट करे वो फ्लैट रेट पर करे, सरचार्ज पर करे, वेट रेट पर करे, आइटम रेट पर करे, तो हम इसमें चुनेंगे ऑन करंट सब टोटल। वैल्यू बेसिस 13% हो गया। राउंडिंग मेथड अगर आपको चाहिए तो जो भी राउंडिंग मेथड चाहिए वो चुन लें, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल कर दें। और अब इसको एक्सेप्ट कर लें कंट्रोल ए से, इसको भी एक्सेप्ट कर लें। ये 13% रेट वाले वेट की क्लास बन गई है। अब यहाँ से बाहर आने के लिए स्केप की हम दबाते जाएंगे। हमने जो वेट क्लास बनाई है उसका यूज़ करके देखते हैं। इसके लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स पर। अब यहाँ पर परचेज वाउचर चुनने के लिए हम F9 की प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए वाउचर टाइप परचेज में ये वाउचर क्लास लिस्ट आ गई। हमको परचेज @13% चाहिए, तो यहाँ से हम वो चुन लेंगे। अब देखिए यहाँ पर तो वाउचर क्लास जो है वो आ गई, और यहाँ पर अपने आप ही, अभी हमने कोई एंट्री नहीं की है, पर अपने आप यहाँ पर इनपुट वेट @13% आ जाता है। यानी अब जो भी आइटम्स यहाँ पर हम देंगे उसमें 13% वेट लग करके उसका अमाउंट यहाँ पर अपने आप आ जाएगा। उदाहरण के लिए हम एक एंट्री यहाँ पर ले लेते हैं। सप्लायर इनवॉइस नंबर हमने यहाँ पर डाल दिया 3। पार्टीज अकाउंट नेम में हमने ले लिया सप्लायर ए। अब यहाँ पर आइटम का नाम हमने डाला डॉल्स। यहाँ मान लीजिए 20 डॉल्स हमने ली 50 रुपये के हिसाब से। तो अब ये देखिए इस पे ये हमने इतना ही यहाँ पर एंटर किया, इनपुट वेट इस अमाउंट पर 13% लग करके अपने आप जो अमाउंट बनेगा वो यहाँ पर आ जाता है। जिस तरह से हमने परचेस के लिए 13% की वेट क्लास बनाई है, उसी तरह से आप और अलग अलग दर वाली वेट क्लास बना सकते हैं। पर यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि ये जो वेट क्लास है वो केवल
एक ही दर वाले वेट की एंट्री के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। पर जब हमको मल्टीपल रेट वाले वेट की एंट्री करना हो, यानी अलग अलग दर वाले वेट की जब एंट्री करना होती है, तो उसमें चूंकि अलग अलग दर वाले अलग अलग आइटम्स होते हैं, वहाँ पर केवल एक दर काम में नहीं आ सकती, इसलिए इस वाउचर क्लास का वहाँ पर उपयोग नहीं किया जा सकता है। अब जिस तरह से हमने परचेस के लिए ये वेट क्लास बनाई थी, उसी तरह से हम सेल्स के लिए वेट क्लास बनाकर देखते हैं। स्केप की दबाते हुए पहले यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम जाएंगे अकाउंट्स इन्फो पर, यहाँ से हम जाएंगे वाउचर टाइप्स पर। वाउचर टाइप्स में हमको जाना है ऑल्टर पर। अब यहाँ पर वाउचर टाइप में हम चुनेंगे सेल्स। यहाँ पर सेल्स नाम ऑलरेडी आ गया है, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते हुए हम नेम ऑफ क्लास तक आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम नाम डाल देंगे सेल्स @13%। एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, जो जो ग्रुप्स इस लिस्ट में से हमको बाहर रखना है, एक्सक्लूड करना है, उनको हम चुन लेंगे। बैंक अकाउंट्स हमको नहीं चाहिए, बैंक OCC अकाउंट हमको नहीं चाहिए, ब्रांच एंड डिविजन्स भी नहीं चाहिए, और सन्ड्री क्रेडिटर्स हमको नहीं चाहिए। अब इस लिस्ट को एंड करने के लिए एंड ऑफ लिस्ट पर एंटर प्रेस कर देंगे। अब हम आ गए हैं दूसरे कॉलम में, जो है इंक्लूड दीज ग्रुप्स, यानी हमको वो ग्रुप्स चुनना है जो हम रखना चाहते हैं। तो हम रखना चाहते हैं कैश इन हैंड, इसको चुन लेंगे, और सन्ड्री डेटर्स हमको रखना है, ये चुन लेंगे। अब इस लिस्ट को भी हम एंड कर देंगे। अब यहाँ पर लेजर नेम हमको चाहिए, तो लेजर नेम अब है sales@13%। वेट टैक्स क्लास हमको चुनना है, तो वेट टैक्स क्लास आ जाएगी sales@13%। इस पर एंटर प्रेस कर देंगे, आगे आ जाएंगे। अब एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज में यहाँ पर हमको चाहिए अब लेजर आउटपुट वेट का, तो ये हम ले लेंगे output weight@13%। इसके बाद कैलकुलेशन मेथड्स में हम ऑन करंट सब टोटल चुन लेंगे, वैल्यू बेसिस 13% एंटर कर देंगे। राउंडिंग मेथड अगर कोई चाहिए तो चुन लें, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल ले लें। एंटर प्रेस कर दें। अब एंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। अब इसको पूरे को एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब एस्केप की दबाते हुए हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं। ये तो सेल्स के लिए 13% वेट दर की वाउचर क्लास हमने बना ली। अब हम देखते हैं सेल्स की एंट्री। इसके लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स पर, और यहाँ पर चूंकि हमको सेल्स वाउचर चाहिए तो F8 की प्रेस करेंगे। ये यहाँ पर वाउचर क्लास लिस्ट आ गई है। यदि आपको मल्टीपल वेट की एंट्री करना हो तो नॉट एप्लीकेबल चुनना होगा, पर अभी 13% दर वाले वेट की वाउचर क्लास बनाइए, इसलिए हम sales@13% वाउचर क्लास चुन रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ पर output weight@13% अपने आप आ गया है। ये वाउचर क्लास यहाँ पर sales@13% आपको नज़र आ रही है। अब यहाँ पर हम एंट्री कर लेंगे। रेफरेंस नंबर जो भी आपको देना हो वो यहाँ दे दें। आगे हम आते हैं एंटर प्रेस करके। पार्टीज नेम आ जाएगा कस्टमर बी। यहाँ पर अब हम डाल देंगे नेम ऑफ आइटम जो है डॉल। क्वांटिटी हमने ले ली 20 पीसेस। ये 60 रुपीज़ के हिसाब से 1200 का अमाउंट हुआ, और उस पे 13% आउटपुट वेट लग कर के जितना बनना चाहिए उस अमाउंट पर, वो अपने आप यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ गया है 156 रुपये। तो इस तरह से टोटल अमाउंट हुआ 1356 रुपये। और जिस तरह से सेल्स के लिए हमने 13% वेट दर की ये वाउचर क्लास बनाई है, उसी तरह से आप और दूसरी वेट दर के लिए भी वाउचर क्लास बना सकते हैं।